And I beheld when he had opened the sixth seal. दोस्तों, बाइबल पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, जब परमेश्वर मनुष्य से मिलता है तब क्या होता है। मूसा के दिनों में परमेश्वर ने मनुष्य से मुलाकात की, संपूर्ण पर्वत दहक उठा, लोग भय से थरथरा उठे थे, पर प्रभु की प्रेम एवं करुणा ने लोगों ने मूसा के द्वारा महसूस किया। यीशु रूप में परमेश्वर ने मनुष्य जाति से मुलाकात की, विरोधी शक्तियां कांप उठी, निर्दोषों का लहू बहाने लगी थी। दोस्तों, दोनों मुलाकातों में प्रभु का आगमन स्पष्ट नहीं था, पर इस बार पूरा स्पष्ट है। डंका बजाकर, तुरही के शब्द के साथ, ललकार भरे भयंकर शब्द के साथ प्रभु आने वाला है। प्रभु का आगमन किस प्रकार होगा, वह कब आएगा, कैसे आएगा, आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा हम सबों को बताने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक अवश्य करें, ताकि यह अनमोल ज्ञान और भी फैल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। ऐसे ही अंतिम दिनों का चित्र दिखाने वाले वीडियो इस चैनल में हम लगातार अपलोड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, यह पुस्तक रहस्यों से भरी है, इसलिए आइए हम इस अध्ययन को प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्वर्ग वेदी में आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब आज हम छठवीं मोहर के खोले जाने के रहस्य को समझना चाहते हैं, प्रकोप का आरंभ कैसे हो, इन बातों को जानना चाहते हैं, तो प्रभु हमें बोलने की और सुनने वालों को समझने की सामर्थ्य दे। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिरौन के दिनों के समान पाप का अंधकार प्रबल होगा। झूठे भविष्यवक्ता एवं झूठे मसीह का प्रभाव समस्त जगत में फैल चुका होगा। प्रभु पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी सताए जा रहे होंगे, उनकी करार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। चौथी मोहर खुलने के साथ हुई भयंकर तबाही को भी पृथ्वी के वासी भूल जाएंगे। पृथ्वी के लोग झूठे भविष्यद्वक्ता एवं झूठे मसीह के प्रभाव में आकर स्वर्ग के परमेश्वर को पूरी तरह भूल जाएंगे। उसकी इबादत करने वाले विश्वासियों को सताना पृथ्वीवासियों का मनोरंजन बन जाएगा। तब सन 2033 के आरंभ अचानक पृथ्वी कांपने लगेगी, भूकंप आने लगेगा। दोस्तों, अंत के दिन सिर्फ परम प्रधान जानता है। प्रभु कब आएगा वो सिर्फ परम प्रधान जानता है। मैं इन प्रकाशनों में जो समय सीमा बता रहा हूँ वो बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6:12। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। दोस्तों, यूहन्ना जी अंत के चित्र को देख रहे हैं। इस बार उन्हें ना ही किसी प्राणी का और ना ही किसी मनुष्य का शब्द सुनाई दिया, पर छठवीं मोहर खुलते ही उन्हें प्रकृति का शब्द सुनाई दिया। यह शब्द बेहद डरावना और भयंकर है। आप कल्पना करें, वे भी विश्वासी हैं, विश्वासियों पर हो रहे अत्याचारों से वे भी व्यथित होंगे। तभी अचानक उन्हें भयंकर शब्द सुनाई देने लगे। पाप के बढ़ते अत्याचार से पृथ्वी कांपने लगी, भूकंप आ गया। भूकंप का शब्द सुनते ही उनका हृदय प्रभु के प्रति धन्यवाद और आनंद से भर गया होगा। परमेश्वर जब पृथ्वी पर उतरता है, समस्त पृथ्वी कांपने लगती है। उसके तेजोमय प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश भी मध्यम नजर आने लगता है। उसके प्रकोप के सामने चंद्रमा लहू के समान लाल नजर आने लगता है। यह भी हो सकता है कि जैसे ही बड़ा भूकंप हुआ, उस भूकंप के झटकों से इतनी क्षति हुई कि उस क्षति के धुएं से सूर्य काला हो गया और उस क्षति के द्वारा उत्पन्न हुई आग से रात्रि में चांद लहू के समान दिखाई देने लगा। बहरहाल, जो भी हो, पर होगा परमेश्वर के प्रकोप से ही। प्रकाशित वाक्य 6:13। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। दोस्तों, यूहन्ना जी अंत के चित्र को देख रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य पर तो विपत्ति आई ही, पर साथ ही साथ तारे भी पृथ्वी पर गिरने लगे। यह दर्शन जब यूहन्ना जी ने देखा था, तब मनुष्य के ज्ञान का इतना विस्तार नहीं हुआ था जितना कि आज हो चुका है। आज हम सभी जानते हैं, तारे इतने बड़े होते हैं, यदि वे पृथ्वी पर गिर जाएं तो समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। उन दिनों में यूहन्ना जी के दर्शन के अनुसार पृथ्वी का विनाश नहीं हुआ था, अर्थात
आकाश से गिरने वाली ये वस्तुएं जिन्हें यूहन्ना जी ने तारों के समान देखा और बताया, वे वस्तुएं तारे ना होकर सैटेलाइट हैं, जो कि वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष पर स्थापित करते जा रहे हैं, जिनके द्वारा आज हम इंटरनेट एवं आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही बड़ा भूकंप होगा, पृथ्वी पर भारी क्षति होगी, पृथ्वी से काला धुआं उठेगा, पृथ्वी से जुड़ी ये सभी सैटेलाइटें भी प्रभावित हो जाएंगी, ये अंजीर के कच्चे फलों के समान अंतरिक्ष से टपकने लगेंगी, ये तारों के समान आज वर्तमान में अंतरिक्ष में स्थापित होकर चमक रही हैं, उस समय ये भी बर्बाद होकर समाप्त हो जाएंगी, इनके कारण भी पृथ्वी पर भारी क्षति होगी। प्रकाशित वाक 6:14 पद, आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। यूहन्ना जी उन दिनों की भाषा शैली में बता रहे हैं, छठवीं मोहर खुलते ही जो भूकंप आएगा वो इतना तीव्र होगा कि उससे प्रभावित होकर पृथ्वी के पहाड़ और टापू भी अपने स्थान से सरक जाएंगे। आप अपने सामान्य ज्ञान के अनुसार कल्पना कर सकते हैं, ऐसे तीव्र भूकंप से जहां पहाड़ और टापू तक अपने स्थान से सरक जाएं, उससे पृथ्वी पर कितनी क्षति हो सकती है, कितना धुआं उठेगा। ऐसे वातावरण में आकाश भी नज़र नहीं आएगा, ऐसा लगेगा मानो सभी कुछ समाप्त हो चुका है, मानो आकाश भी पत्र के समान लिपट कर हटा दिया गया हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, जब अत्याचार बढ़ेगा, प्रभु के लोग सताए जा रहे होंगे, उनका अपमान होगा, वे कराह कराह कर प्रार्थनाएं करेंगे, तब उनका दर्द मिटाने प्रभु निश्चय आएगा। बढ़ता हुआ विरोध इस बात की गवाही दे रहा है, मनुष्य स्वयं के विनाश के लिए आतुर हो उठा है। शीघ्र ही छठवीं मोहर खुलेगी, हो सकता है जो गणनाएं बाइबल में है उन गणनाओं से पहले ही प्रभु अपने लोगों की पीड़ा मिटाने आ जाए। उसके आते ही प्रकृति में ये चिन्ह नजर आने लगेंगे, पर सदैव स्मरण रखें, प्रभु के कार्य सिस्टम से ही होते हैं, अर्थात हम मनुष्य अभी भी प्रभु की दया और अनुग्रह के भागीदार बन सकते हैं, उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें प्रभु के भरोसे रहना सीखना है, उसके वायदों पर भरोसा करना है। दोस्तों, प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा देखा गया यह दर्शन प्रभु यीशु मसीह द्वारा की गई भविष्यवाणी को दोहरा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 29 पद में प्रभु ने बताया था, यह घटना होगी जिसके घटने की रूपरेखा तैयार होने लगी है। इसी घटना से संबंधित भविष्यवाणी प्रेरित पत्रस ने भी अपनी दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय के 10 पद में की है। वचन में यह भविष्यवाणी बार बार दोहराई गई है, अर्थात इस घटना का होना तय है। आज के अध्ययन से हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 25 से 26 पद का चित्र देखा। यह चित्र हमें सिखाता है, वचन में सब कुछ स्पष्ट लिखा है, इसलिए हमें अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहना है। कोई कितना भी बहकाए, पर हमें सदैव वचनानुसार ही अपना आत्मिक जीवन जीना है। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद प्रेरित पत्रस की दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय के 11 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। दोस्तों, हमें निरंतर प्रभु के वचनों को पढ़ना है और इन वचनों पर विचार करना है। ये वचन हमें झिझकोड़ता है कि हमें किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।